अच्छा, आज जो हम काम करने जा रहे हैं वो ये है कि पिछली बारिशें हुई हैं उनके नतीजे में जो मेरे मोर हैं उनका जो केज था उसकी जो छत है उसके दो बांस जो है ना वो टूट गए थे। और छत गिरी तो नहीं, फॉर्चुनेटली मैंने जो मोर हैं वो मुझे अंदाज़ा था कि ये होगा क्योंकि ये वो बांस जो थे वो थोड़े वीक थे, इस वजह से मैंने उनको पहले ही इस केज से निकाल लिया था। और अब हमने करना ये है कि वो छत जो है वो उसको कंप्लीट गिराना है, गिराने के बाद दोबारा उसको जो है छत डालनी है। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा कि जो आपने केज बनाना है उसके डाइमेंशंस जो हैं वो आपने क्या रखने हैं। ठीक है जी, वीडियो शुरू करते हैं। सर, इसकी मुरम्मत के लिए जो चीज़ें चाहिए या फिर अभी जो छत है उसको उखाड़ना है उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैंने ले ली हैं। सबसे पहले हमें चाहिए जी, अगर नज़र आ रहा है आपको जी, ये कसी है। ठीक है जी, ये हमारे पास बोला है और ये हमारे पास जो है वो दैट इज़ सबल, उसको सबल कहते हैं हम लोग हम जबान में। अभी हम लोग शुरू करते हैं, अभी हम लोग सीढ़ी लगाएंगे ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद छत को गिराएंगे और दोबारा से नए सिरे से दोबारा से ना छत डालेंगे उसके ऊपर। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बाकी जी शुरू करते हैं। ये काम शुरू हो गया है, ये सारी छत जो है ना हम लोग उखाड़ देंगे और उसके बाद जो है ना इसको दोबारा मरम्मत की जाएगी इसके। अच्छा जी, अब हमारा जो केज है वो कंप्लीट हो चुका है, आए आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये जी हम लोग गेट इसका ओपन करेंगे, ये जी बैठने के लिए एक लकड़ी लगाई हुई है। ठीक है, और ऊपर छत देख लें, छत जो है ना कम्प्लीट हो चुकी है। अच्छा जी, अब ये पानी के लिए रखा हो और ये कुरा करे माशाल्लाह जी, ये रेत डाली हुई है और रेत पे माशाल्लाह जी अंडा दिया हुआ मोरने ने माशाल्लाह जी। अच्छा जी, अगर मैं बात करूं कि अगर आप जो पीकॉक्स हैं, इंडियन पी फाउल है, उसके केज की कंस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं तो आपको उसके लिए लेंथ और विड्थ की कितनी ज़रूरत होती है, तो आपको चाहिए 8x8। ठीक है, 8 फिट लेंथ होनी चाहिए, 8 फिट हाइट भी इतनी होनी चाहिए और ब्रेथ भी इतनी होनी चाहिए। ठीक है, ताकि जो बर्ड है वो फ्रीली फ्लाई भी कर सके, मूव भी कर सके और फ्रीली अपने जो दाना वगैरह खा भी सके। बाकी आप लोगों ने कोई बनाना है नेस्टिंग के लिए, नेस्टिंग के लिए मैंने ये रेत डाली थी, तो रेत पे ये अंडे देती है और रात को ये दोनों जो है ना ये लकड़ी लगाई हुई है इसके ऊपर बैठे होते हैं। बाकी सुबह के टाइम और शाम के टाइम ये फ्रीली जो है कोर्ट यार्ड सहन के अंदर ये फ्रीली मूव करते हैं और इस वजह से ये खुश रहते हैं। बाकी ये था व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है और इंशाल्लाह इस तरह के भी लोग के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।